हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज मेरा पता नहीं क्यों ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। और बहुत समटाइम कभी कभी होता नहीं, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो और समर तो यहाँ बहुत परेशान करता है, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा जगह मिल गई है भागने दौड़ने की, तो वो हमेशा ही दौड़ने भागने में लगा रहता है और उसी को ही ज़्यादा पकड़ने का रहता है मुझे कि पकड़ते रहो। और ऐसे ही समटाइम होता है ना, बोरियत हो जाती है कि आपको कुछ भी नहीं करने का मन करता है। और फिर सडनली मोर आया मेरे सामने, घर के सामने, मेरे जस्ट सामने। तो दादी माँ ने वो गेहूँ का आटा डालने के लिए, तो गेहूँ डाल रखा था तो उसको खाने के लिए आया था। तो मैंने कहा अब अच्छा टाइम है कि मैं शूट करूँ, आपको दिखाऊँ। और उमस ह्यूमिडिटी बहुत है, यहाँ कई दिन से बारिश नहीं हुई है, 4-5 दिन से, इस वजह से ह्यूमिडिटी बहुत है। और पीछे आपको बहुत सारे आवाज़ आ रहे होंगे, तो वो इग्नोर कीजिएगा, बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं आपस में खेल कूद करके। ये देखो, एक अनार 100 बीमार की कहानी। ये क्या, कौन जीतेगा आज, कौन जीतेगा? ओह माय गॉड, बस हो गया काम। तो ये देखिए फ्रेंड, गेहूं डाला गया है और मोर आ गया है। तो मैंने सोचा ये बेस्ट टाइम है कि इसको मैं वीडियो शूट कर लूं और आपको दिखाऊं। और मुझे तो ये आश्चर्य लगता है कि इतने हैवी इसके जो पंख हैं उसको लेके उड़ते कैसे हुए हैं, लेकिन फिर भी ईजली उड़ लेते हैं और इतना लंबा रहता है। और शोर तो बहुत हैप्पी हो गया था क्योंकि इतने करीब से उसको देखने को फर्स्ट टाइम मिल रहा था, क्योंकि अगर हम कहीं और भी देखते हैं तो दूर ही रहता है, लेकिन ऐसे वो दिन भर में कम से कम 4-5 बार हमारे ऐसे घर के सामने आता है और सामने ही पेड़ पे रहता है, छत पे जाता है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है जिसको हम जंगल में देखने जाते हैं। ये चिटिया देखा तहु चीज दे दा, इसको खाना है गेहूं। ये देखो दादी माँ डांट रही है, लेकिन ये भी जिद्दी है। श्योर पिकॉक है, पिकॉक कैसे बोलता है बताओ? पॉक पॉक करता है। वेयर इज पिकॉक, गो एंड फाइंड आउट। वो रहा पिकॉक, पिकॉक छिप जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? बार बार मोर को हम लोग उड़ाते और फिर वो आ जाता था गेहूं खाने, और इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि घर में ही ये पला हो। और जो दादाजी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था क्योंकि वो रोज़ देखते हैं, उनके लिए आम बात है। और शोर उसके पीछे भाग रहा था, मैं उस और शोर के पीछे मैं। तो फ्रेंड्स, जो आप आवाज़ें सुन रहे हैं वो देखिए कितनी चिड़िया की कितनी अच्छी आवाज़ें हैं, कितना अच्छी सी लग रही है सुनने में, बहुत ही मेलोडियस है। और शाम के टाइम जनरली पापा जो भी सामान रहता है घर का वो लाने जाते हैं, तो शोर भी जिद उसी टाइम करता है कि उसको एक राउंड ऐसे घुमा दीजिए। तो पहले पापा उसको ये बाइक से एक राउंड घुमाते हैं, फिर सामान लाते हैं। तो शोर पूरा इंजॉय कर रहा है विलेज लाइफ। नहीं पापा जाइए, पापा हंस रहे हैं मुझे शूट करते हुए देख करके। तो बढ़ते नज़ारा कुछ ऐसा है। ओए उठ गए, गुड मॉर्निंग करो। यहाँ देखो समर्थ, यहाँ देखो गुड मॉर्निंग।
बाकी शोर सो रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो, कल का ब्लॉग मैं एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत लेट से शुरू किया था। सो, आज मैं उसका एंड करूँगी। और मॉर्निंग में आपने देख ही लिया कि मौसम बहुत अच्छा है हुआ है। यहाँ ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन से बारिश नहीं हुई थी, तो जब ऐसा मौसम होता है तो काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है, एनर्जी आने लगती है और हर काम में आपका मन लगने लगता है। क्योंकि गर्मी रहती है तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, उमस रहती है, पसीना बहुत आता है। सो, अभी समर्थ जो था वो मेरे साथ उठ गया था, बट वो अभी सो रहा है, तो मैंने सोचा लो अपनी मैं स्किन केयर कर लेती हूँ और इसके बाद मैं थोड़े घर के कुछ कुछ काम करूँगी जो पेंडिंग है। चलिए शुरू करती हूँ घर के काम। छेता लेके जा रही हूँ दिखाने कि मोर कहाँ बैठा है। एक्चुअली जो ये मोर है ये पेड़ के सामने बैठता है और तब तक उड़ता नहीं है। अगर बारिश हो रही है तो ये जब तक इसके जो पंख है सूख नहीं जाते तो उड़ता नहीं है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, इसी पेड़ पे बैठा है मोर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं चलिए जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये रहा बैठा है और ये तब तक यहाँ बैठा रहेगा जब तक कि इसकी पंख जो है सूख ना जाए। आज देखा कि आपने सुबह से ही मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो इस ऐसे मौसम में पकौड़ी खाने का सबका ही मन करता है। तो बस मैंने सोचा कि घर में प्याज है और बेसन है, तो चलिए पकौड़ी बनाती हूँ। तो ये जो फ्रेंड्स प्याज है ये हमारे खेत की ही है और मैं सोची कि मैंने इसे छील के कट कर देती हूँ, तो दीदी ने कहा मैं बना दूँगी। तो सौर अभी सो रहा है और समर्थ को तो नींद कम ही हो गई है यहाँ आके। पता नहीं इसको क्या हो गया कि ऑलमोस्ट 45 मिनट्स होता है पूरे दिन में, तो ये मेरे साथ प्याज छीलने में मदद कर रहा है मेरी। इसका भी वही काम हो गया जो मम्मी का काम है। तो प्याज मैंने कट कर लिया है और पीहू की डिमांड थी कि आलू के भी पकौड़े बनेंगे, तो आलू को भी मैंने कट कर लिया है और बाकी का प्रोसेस जो है वो दीदी करेंगी। इसके बाद मेरा जो काम है वो है, थोड़ी देर में शौर को टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ाऊँगी, अदरवाइज़ बाहर बैठूँगी। आज का नज़ारा बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, तो बाहर ही थोड़ा गप्पे लड़ाएंगी दादी माँ के साथ। और मम्मी जा रही है चाय बनाने। चावल का आटा भी डाली दीदी है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मुझे लगा होगा मम्मी बनाती है ना। नहीं, अगर होता बहुत कुरकुरा बनता था तो बिना कहा चावल के आटे से बहुत कुरकुरी बनती है, वो क्रिस्पी बनती है। वो ढाबे पे तो ऐसे ही देते हैं जो रेस्टोरेंट्स वगैरह ढाबे पे वाले जो लोग होते हैं, लोग बेसन का चावल वही बनाते हैं। बिहारी तो वही चावल के आटे में ही। अरे भैया वो सब बताते हैं, लगता क्या वो तो पैक हो। पकौड़ी तैयार है फ्रेंड्स और चाय भी रेडी है, दूध डालना है अभी से। तो फाइनली फ्रेंड्स पकौड़ी और चाय रेडी हो गई है और मैं जा रही हूँ पकौड़ी और चाय खाने। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।